इस वक्त मैं शेरगढ़ में हूँ। ये आप पढ़ें, दिस गन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द अंब स्टेट अंब फैक्ट्री इन 1942 ड्यूरिंग द रेन ऑफ नवाब मोहम्मद फरीदान। ये उस वक्त ये तोप बनाई गई थी। ये देखें, ये दरबंद के बहुत ही पुराने जो मिस्त्री थे उन्होंने बनाई थी। और एक गन ये है, ये तोप है असल में कैनन। उस वक्त के जो अंब स्टेट थी इसके का असला बड़ा मशहूर था और बड़ी ज़बरदस्त, ये देखें बड़ी हैवी ये तोपें बनाई गई हैं। और ये शेरगढ़ की हवेली है, बड़ी ही तारीखी हवेली है। और सेम यही पिक्चर आपने अर्तगल ड्रामे में देखी होगी, ये किला जो होता है। तो ये गालिबन ये जो किला है ये कहा जाता है कि रंजीत सिंह से पाइंदा खान ने छीना था, और 1820 के लगभग। ये कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन है लेकिन ज़्यादातर जो है ये पुरानी ही कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक शाहकार है, किसी दिन अंदर से भी इसको हम विज़िट करेंगे। ये देखें आप, ये किला है शेरगढ़ का, जहाँ नवाबजादा सलाहुद्दीन जो है रहते हैं। और ये अंदर से इस किले के बहुत सारे दरवाज़े हैं, दिफाई नुक्ता नज़र से भी। शुरू में ये किला जब फतह किया गया था तो ये आयरन शीट्स नहीं थी, उस वक़्त इसकी स्ट्रक्चर कुछ और थी। लेकिन बाद में ये 1890 के आगे पीछे शायद इसके ऊपर ये आयरन शीट्स लगाई गई हैं। अंदर से ये बड़ा ख़ूबसूरत है और बिल्कुल असली हालत में है। ये आप देखें, ये सीमेंट नहीं है, इस वक्त कोई मसाला बनाकर यहाँ पे लगाया गया है। ये कोई मसाला है लेकिन सीमेंट से ज़्यादा पुख्ता है। सीमेंट की उम्र तो 80 साल होती है इसकी एज। ये हवेली है, यहाँ पे लोग जमा होते हैं, उनके मसाइल सुने जाते हैं। ये बहुत ही पुरानी हवेली शेरगढ़ की, नवाबजादा सलाहुद्दीन साहब यहाँ पे होते हैं। इस तरह की एक हवेली जो है इससे छोटी है, वो डोगा के मकाम पर भी है, करौड़ी के पास। और एक जो है दरबंद से पीछे शाहकोट के मकाम पर भी है। और कभी एक छोटा सी चौकी जो थी वो चमेड़ी के पास भी थी, कभी उस बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा।